बॉलीवुड के नए टैलेंट उत्कर्ष शर्मा के अभिनय के साथ हम रिलीज हुई जीनियस फिल्म के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। 24 साल के उत्कर्ष शर्मा ने ये साबित किया कि वे आगे चलकर बॉलीवुड के सुपरस्टार बनेंगे। उत्कर्ष का क्यूट सा चेहरा, प्यारी सी स्माइल और खतरनाक दिमाग आपको जीनियस फिल्म में खूब भाने वाला है। जीनियस फिल्म की कहानी दो प्रतिभाशाली दिमाग की कहानी है। एक युवा और बुद्धिमान रॉ एजेंट उत्कर्ष शर्मा अपने प्यार इशिता चौहान के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता रहा है। उसकी शांति तब भंग हो जाती है जब राह में एक चालाक जीनियस नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ खड़ा होता है। इन दोनों के संघर्ष से रोमांच और एक्शन की चिंगारियां निकलती हैं, साथ में संगीत का तड़का भी बेहतरीन है। दिल की लड़ाई दिमाग से को जीनियस में दर्शाया गया है। मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का भी फिल्म में अहम किरदार में है। जब जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मिथुन चक्रवर्ती को डायलॉग डिलीवरी करते देखा गया, उन्होंने बताया कि एक सीनियर होने के नाते नए टैलेंट को किस तरह सपोर्ट किया जाना चाहिए। अभिनय के मामले में भी ये दोनों ही कलाकारों ने अपनी मौजूदगी फिल्म में दर्ज की है। वैसे फिल्म की अभिनेत्री इशिता चौहान की बात करें तो बता दें कि वे जितनी खूबसूरत दिख रही हैं, काश की उतना ही अच्छी एक्टिंग भी कर ली होती। इन्हें आगे फिल्मों में काम मिलेगा या नहीं, उसके लिए तो अल्लाह ही मालिक है। आयशा जुल्का ने कोशिश की है कि वे अपना बेस्ट दें, पर समय की कमी और कमजोर डायलॉग ने उनके किरदारों को हल्का साबित किया। चूंकि फिल्म के राइटर डायरेक्टर अनिल शर्मा हैं और जीनियस फिल्म उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की एज ए हीरो बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है, इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उत्कर्ष में गदर भर दे। पर इमोशनल में अनिल शर्मा ने अपने क्यूट बेटे से ज्यादा ही एक्शन करवा लिया है, जो हजम नहीं हो रहा। हमें लगता है कि जीनियस फिल्म का डायरेक्टर कोई और होता तो बात कुछ और ही होती। देखने लायक सीन्स हैं क्योंकि फिल्म की शुरुआत और क्लाइमेक्स मथुरा सिटी में फिल्माई गई है, जहां वृंदावन और मंदिरों के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। राधे राधे कहते नजर आने वाले हैं 24 साल के उत्कर्ष शर्मा जीनियस फिल्म में। म्यूजिक में हिमेश रेशमिया ने अपना 100% दिया है, पर जीनियस फिल्म का फितूर आप पर चढ़ा या नहीं, फिल्म देखने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वैसे हम अपनी तरफ से अनिल शर्मा के बेटे की फिल्म जीनियस के लिए 2.5 स्टार देते हैं। जीनियस फिल्म को लेकर हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप हमें सब्सक्राइब भी करेंगे।